यूथ ओलंपियन इंद्रजीत पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इस क्षेत्र में दौड़ की जो न्यू जगाई थी, न्यू रखी थी, अब वो न्यू थोड़ी थोड़ी इमारत के रूप में बदलने लगी है, कैसा लग रहा है यहाँ पर आज इस दौड़ प्रतियोगिता को लेकर? थैंक यू अरुण भाई, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप आए यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग लिए, जैसे कि आपने बोला कि न्यू हमने रखी थी और आज महल खड़े हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये महल इमारत बन जाएगी और ये बुनियादों में कभी गिरेगी नहीं, लगता कि गिरेगी, ऐसे जैसे कि चल रहा है जिस तरीके से, और गर्ल्स बॉयज कर रहे हैं, जैसे पोल वॉल्ट हो गया, रेस वॉक हो गई, रनिंग हो गई, तो आपने देखा अभी रिसेंटली करीब 3-4 इंटरनेशनल मेडल आए हैं अपने मासोराव क्षेत्र में, ये अपना कुलदीप हो गया, रेशमा हो गई, रोजी हो गई, तमाम एथलीट है जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी आपने बोला कि सरकार तो हमारे भरोसे बैठी है, हम अपने मेहनत से मेडल लेके आएंगे तो बुलवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, चले जाएंगे हमारे घर की मिठाई खा के, यहाँ तो एमपी एमएलए बस आते हैं चले जाते हैं, कोई ध्यान भी थोड़ी देता है। कहीं आपने देखा किसी स्टेडियम के बारे में सुराव क्षेत्र मवामा क्षेत्र में लड़ते हुए किसी एमपी एमएलए को? कोई नहीं लड़ता है, किसी से सिर्फ सबको अपनी पड़ी है, अपना जेब भरना चाह रहे हैं, कोई किसी के लिए नहीं परेशान है। यहाँ ये जो दावा करते हैं कि हम क्षेत्र का, अरे कुछ नहीं करते, सब झूठे हैं, सबके सब झूठे, जितने हैं सब झूठे हैं। हम आज मेरा बाप दूसरों खेतों में हल जोत के मुझे पैसे दे के मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, भैंस चला के मेरे आजा ने दही बेच के मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मेरे सीनियरों ने मुझे गाइडेंस करके यहाँ पहुँचाया है, किसी नेता मंत्री या विधायक ने मुझे पूछा? नहीं पूछा। आज देखिए आप ये बड़ी बातें कह रहे हैं उन प्रतिनिधियों के लिए जो ये दावा करते हैं, और साथ में जिस तरह से आपकी बहन ने कहते हैं कि पुरुष तो आगे मैदान में रहता है, रोड पे रहता है, बाहर निकलता है, लेकिन आज जिस तरह से आपकी बहनों ने, रेशमा पटेल ने, रोजी पटेल ने जो इस क्षेत्र का मान बढ़ाया है, ये कैसे संभव हो पा रहा है? रेशमा रोजी को मैं अपने उनको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग कराया यहाँ पे, उसके बाद इनको गांव से ले जाके मैं जहाँ मेरी पोस्टिंग है मैं वहाँ पे ले जाके इनको ट्रेनिंग कराना स्टार्ट किया, यहाँ पे कोई पूछा भी नहीं। आप गर्ल्स के कल बोलते थे कि गर्ल्स क्या करेंगी आगे, लेकिन गर्ल्स इतना दूर तक निकल जाएंगी कोई सोच भी नहीं सकता, आज वो नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कर रही है फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभी रिसेंटली कल उसने 18 साल की लड़की सीनियर में सिल्वर मेडल लेके आ रही है, नेशनल गेम में ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रही है, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है, सिर्फ अपनी पड़ी है। 100 मीटर रोड बनवाए 2,00,000 रुपए पास हो जाए ये हमारे लिए, 1 किलोमीटर रोड पास करवा ले कोई कॉन्ट्रैक्टर पास हो जाए जेब में चले जाए, लेकिन कोई 500 रुपया किसी एथलीट को यहाँ कोई आया देखने के लिए? ये विज्ञापन एक दिन से नहीं, करीब एक महीने से चल रहा है, कोई नेता मंत्री विधायक संसद प्रधान दिखा आपको यहाँ? लेकिन जिस दिन वोटिंग के लिए जाएंगे सब आएंगे यहाँ पे बोलने के, पूछने के लिए, हाँ मुझे चाहिए फोटो खिंचाने के लिए कंधे पे, ठीक है। कोई भी खिलाड़ी सिर्फ अपने घर, अपने परिवार, अपने यार दोस्त की मदद से ही यहाँ तक पहुँच रहा है, लेकिन कोई भी जो खेल के सामग्री भी आती है ब्लॉक या तहसील में कोई मिलने वाला नहीं है, एसडीएम डीएम कोई आज तक ध्यान देने आया किसी खिलाड़ी के लिए? ये लड़का मेडल आया कोई स्वागत करने के लिए आया? दीपक का स्वागत करने के लिए आया? नहीं आया। कहाँ से उत्साहवर्धन होगा? इसके माँ बाप आया बेचारा शाम को ट्रेन पकड़ के आया होगा, बस पे उतरा होगा, घर चला गया, खा के सो गया होगा, कोई पूछा नहीं, अगले दिन ट्रेनिंग करने चला गया, फिर अभी भटकेगा 4 साल के बाद नौकरी के लिए, कोई पूछने वाला है? इतने एथलीट हैं, ये राकेश भाई हमारे यहाँ नेशनल प्लेयर हैं, इंजरी कारण प्रॉब्लम हो गई, इनको कोई ध्यान दिया नहीं? अभी स्टेडियम में जाने के लिए 500 रुपये कहीं पे भी नॉर्मली फीस लगती है, कौन खिलाड़ी देगा, खाएगा या फीस देगा स्टेडियम की? आप भी बताइए, कोई इसके लिए बोलने वाला है? कोई नहीं बोलने वाला है, माफ होना चाहिए। देखिए ये बड़ी बातें हैं, और निश्चित तौर पर कहते हैं कि कागज में कुछ और होता है लेकिन पटल पर कुछ और हो रहा है, दावे बड़े करते हैं लेकिन ये सच्चाई हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के क्षेत्र के ये वो खिलाड़ी कह रहे हैं जो ये दर्द महसूस करते हैं। ये है इंद्रजीत पटेल, यूथ ओलंपियन, वो बता रहे हैं कि किस तरह से आज यहाँ पर खिलाड़ियों की अनदेखी की जा रही है, स्पोर्ट्समैन की अनदेखी की जा रही है, और यहाँ पर क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने आंख में पट्टी बांधी हुई है। हमारे एथलीट जो इलाहाबाद या पूरे यूपी के हैं अदर स्टेटों में भाग रहे हैं, एक नेशनल में करीब 10-12 एथलीट खेलते हैं हमारे यूपी से, लेकिन अदर अदर स्टेटों से खेलते हैं, क्यों जा रहे हैं हमारे मेडल से यहाँ पे, क्यों जा रहे हैं, क्यों चैंपियनशिप्स नहीं आ रही है? क्योंकि हमारे लोगों की कमी है, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपनी जेब भर जाए, लेकिन ये सत्य है, किसी के पास जूते नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है, खाने के लिए नहीं, अभी आपने देखा बच्चा, लेकिन कोई आया किसी के लिए लड़ने के लिए? भदोही से लड़का चल के आया है, भदोही से लड़का चल के आया है, बस का किराया भी खुद से दिया होगा, लेकिन उसे ग्राम प्रधान ने एक सामान भी नहीं दिया होगा क्या? हर जगह हर चीज के लिए अब हमारे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अनुराग सर जी ने इतना ज्यादा सुविधा दे रखा है ऊपर लेवल से, तो ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं? वो
सामान बच्चों तक क्यों नहीं, खिलाड़ियों छोटे लेवल पर ग्रामीण लेवल पर क्यों नहीं, ग्रामीण प्रतियोगिता होती है कोई आता नहीं है देखने के लिए भी, ये छोटी छोटी प्रतियोगिताएं होती है जो युवा कल्याण की होती है वहीं से प्रतिभाएं निकलती है, कोई नहीं आता देखने के लिए, एसडीएम तक कोई ध्यान नहीं देता, ये युवा कल्याण इसी बात को लेकर आपकी नाराजगी है कि बहुत सी चीजों की नाराजगी है खेल को लेकर के, एक मेडल दो मेडल से क्या होगा, हम तो चाहते हैं हरियाणा से भी हम लोग आगे जाएं, लेकिन हमारा सपोर्ट तो करें। अभी संदीप एक्चुअली अभी एक समय था अभी संदीप सर हमारे जो हॉकी के पूरे खिलाड़ी रह चुके कैप्टन रह चुके हैं संदीप सर, वो अपने स्टेट के लिए इतना ज्यादा कर रहे हैं आप कभी भी उनका ट्विटर हैंडल या फेसबुक कुछ भी देख लीजिए, उस तरीके से अगर काम होगा जिस तरीके संदीप सर कर रहे हैं तो ज्यादा, खेल मंत्री संदीप सर हॉकी के प्लेयर हैं जहां आप क्लिकर जी से बोला जाता है उनको, हम उनके साथ वहां वो खेलो किसी भी टीचर ही नहीं है खेल के स्कूलों में, खेल टीचर मैथ पढ़ा रहा है, कला पढ़ा रहा है, विज्ञान पढ़ा रहा है, खेल के टीचर ही नहीं है तो कैसे खिलाड़ी निकले स्कूल से, क्षेत्रीय अभी हो रही है कौन क्या कर रहा है कुछ पता ही नहीं है, उसके लिए 2500 रुपए 3000 रुपए फीस लगा दिए, बच्चे कहाँ से देंगे। आपकी बहन रेशमा पटेल ने अभी लगातार मैं देख रहा हूँ कि मेडल जीत रहे, कोई प्रतिनिधि नहीं आया क्षेत्र का? नहीं, कोई भी नहीं आया, अभी लगातार कंटिन्यू एक महीने के अंदर 3 नेशनल मेडल किया उत्तर प्रदेश, जिसमें सभी सीनियर हैं, 18 साल की लड़की सीनियर में चैंपियन हो रही है, लेकिन कोई मिलने तक नहीं आया उसे, कोई पूछने तक नहीं आया, सुबह शाम बगीचे में प्रैक्टिस कर रही है, अपना जा रही है, अपना खा रही, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, एक दिन जब बड़ा मेडल मतलब कुछ आ जाएगा, फसल पक जाएगी, काटना होगा, खाने के लिए सब आ जाएंगे। देखिए, साक्षी मलिक ने कहा था कि जब हम मेहनत करते हैं हमें संसाधनों की जरूरत होती तब कोई नहीं पूछता, जब हम मेडल लेकर के आते हैं तो सरकारें इनाम की घोषणा करती है, लेकिन मैं यहाँ पर इंद्रजीत पटेल का साफ कहना है कि जब खिलाड़ियों को जरूरत है संसाधन की, सुविधाओं की, तो उन्हें इससे वंचित होना पड़ा है, जिससे उनकी प्रतिभाएं दबी की दबी रह जा रही है। संसाधन नहीं, संसाधन मत दो, हौसला तो अफजाई कर दो, इतना ही बहुत है, आप थोड़ी सी हवा दे दो, आकाश बहुत बड़ा, हम उड़ लेंगे। देखिए, यहाँ पर आप हौसला अफजाई भी नहीं कर सकते।